हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय माईट्यूब चैनल पी एन सर देखिए फ्रेंड्स लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने इससे पहले बहुत अच्छी तरह से सीखा है थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करेंगे ये वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखे बाद आपको इसी चैप्टर पर एम मॉक टेस्ट देना है जो अभी सवेरे सात से शाम सात बजे तक आपके लिए लिंक खुला रहेगा आपने टेस्ट सबमिट किए बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और देखिए फ्रेंड्स ये सभी बातें हम हैंडल करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास ट्वेल्व पे उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कल इसी चैप्टर पे ट्वेंटी मार्क्स का आपका थेरी टेस्ट रहेगा देखिए एम टेस्ट भी ट्वेंटी मार्क्स का है जिसमें टेन क्वेश्चन रहेंगे और यह सभी क्वेश्चन आपके एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे देखिए लाइन एंड प्लेन ये चैप्टर हमें स्टेट बोर्ड में टेन मार्क्स के लिए पूछा जाता है अब ये स्टेट बोर्ड में टेन मार्क्स के लिए इसका मतलब ये MST, में भी नियर अबाउट मार्क्स का पूछा जाएगा तो इसका मतलब इस चैप्टर पे फाइव क्वेश्चंस रहेंगे कम से कम चार और ज्यादा से ज्यादा फाइव पांच क्वेश्चन मतलब ये या तो आपको एट मार्क्स के लिए या फिर टेन मार्क्स के लिए एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले डिस्कस करते हैं लुक हियर सबसे पहले हमें डिलीटेड पोर्शन देखना है 2021 एग्जाम के लिए जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए डिलीट हुआ है वही पोर्शन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए भी डिलीटेड रहेगा तो देखिए इस साल क्या डिलीट हुआ है एंगल बिटवीन प्लेन्स इस पोर्शन को हमें प्रिपेयर नहीं करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमें प्रिपेयर नहीं करने ये आपको सीईटी में भी पूछे नहीं जाएंगे ओके एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन लाइन और प्लेन इन दोनों के बीच का एंगल फाइन करने का फॉर्मूला भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है और उसके प्रॉब्लम भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है दो प्लेन के बीच का एंगल उसका फॉर्मूला भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है को प्लेनारिटी ऑफ टू लाइन्स इस आर्टिकल को भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें प्रिपेयर नहीं करना है ओके फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ये टॉपिक भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है ओके okay? तो इतना पोर्शन ड्यू टू कोविड 19, ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस एग्जाम के लिए देखिए डिलेटेड है इसे हमें प्रिपेयर नहीं करना है अब बचा हुआ जो पोर्शन है उसे हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्ले का लिंक मिलेगा ठीक है उसे उसे आप अवश्य देखिए लुक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर

तो उस लाइन का इक्वेशन रहेगा r बार a बार लैम्डा b बार ओके okay? अब यही हम कार्टेशियन फॉर्म में कंसीडर करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म हुआ यहाँ पे r बार a बार b बार दीज आर द वेक्टर्स देयरफॉर इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म अब देखेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन जहाँ पे वेक्टर नहीं रहेगा ओके कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग d r s abc इज उसका इक्वेशन रहेगा एक्स माइनस एस वनाड वी तो इसी वेक्टर का ये कार्टिशन कार्टिशन है, ओके? फिर इसके बाद वेक्टर पासिंग यहां सिर्फ एक पॉइंट से पास होती थी लाइन और दूसरे वेक्टर को पैरेलल थी यहां पे लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो फिर दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन रहेगा आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा इन टू इन साइड द ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार या तो आप इसे बार इक्वल्स टू आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो बार इक्वल्स ब्राकेट ए बार माइनस बी बार ठीक है मतलब यहां पे जो रोल ए बार का है वही रोल यहां पे बी बार का है ठीक है ना या तो आप इसे ए बार में ले सकते हो या फिर बी बार में ले सकते हो ओके नेक्स्ट अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन है इसी वेक्टर फॉर्म का यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन लिखा है देखिए यहां के पोजिशन वेक्टर थे यहां पे पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में है x1, y1, z1 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, x2, y2, z2 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। तो इन दो लाइन से अगर पॉइंट पास होता है सॉरी लाइन पास होता है तो उस लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट ऐसे दो प्रकार के इक्वेशन यहां पर हमने देखे नाउ लेंथ ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार मतलब इस ये जो लाइन है इस लाइन से हमें पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओके देखिए डिस्टेंस ऑफ अ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन डिलीट हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन ये पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है ओके नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैमडा बी बार इस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार स्क्वायर माइनस माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार और उसका स्क्वायर तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लुक लुकियर नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसे अच्छी तरह से याद रखिए ओके लुकियर सपोज हमें लाइन ए बी दिया है मतलब लाइन ए बी का इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए पे है है. जिसके ठीक है. है अब इस पॉइंट पी से हमने लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देखिए मैंने पूरा यहाँ पे अच्छी तरह से नायरेट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिए इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए पॉइंट पी से हमने लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट पॉइंट इस M को हम कहते हैं फूट ऑफ परपेंडिकुलर इस पी एम का फूट रहेगा पॉइंट एम परपेंडिकुलर ठीक है नाउ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर यम इज अब ये हमने एक्स वन प्लस ए लैमडा वाई वन प्लस बी लैमडा जेड वन प्लस सी लैमरा लिया है पॉइंट यम के कोऑर्डिनेट्स ये किस प्रकार से लिया है हियर पॉइंट यम लाइन ए बी पे प्रेजेंट है

अब यहां पे पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है इस लाइन के जो डी आर एस है डी आर एस हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट उसके हमें तो उस लाइन के डी आर एस लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ एक्स को ऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ वाई को ऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा एक्स वन प्लस ए लैमडा माइनस एक्स डैश वाई वन प्लस बी लैमडा माइनस वाई डैश जेड वन प्लस सी लैमडा माइनस जेड डैश ओके तो इस प्रकार से लाइन पीएम के डी आर एस रहेंगे अगर पीएम लाइन एबी को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब लाइन पीएम के डीआरएस ओके लाइन पीएम के डी आर एस ये और लाइन एबी के डी आर एस इन दोनों के करस्पॉन्डिंग डी आर एस के प्रोडक्ट का सम जीरो रहना चाहिए लाइन एबी के डीआरएस एबीसी है और लाइन पी एम के डी आर एस एक्स वन प्लस ए माइनस एक्स डैश वाई वन प्लस डी आर एस के प्रोडक्ट का सम मतलब सी का इसके साथ प्रोडक्ट इक्वल टू रहेगा जीरो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें लैमडा इक्वल टू मिलेगा ए इंटू इन द ब्रैकेट एक्स डैश माइनस एक्स वन प्लस बी इन टू द ब्रैकेट वाई डैश माइनस वाई वन

फ्रॉम द लाइन तो देखिए इसी का ये हमने कार्टेशियन फॉर्म लिया है ये जो वेक्टर फॉर्म था डिस्टेंस फॉर्मूला का उसी का हमने यहां पे कार्टेशियन फॉर्म लिया है ठीक है तो देखिए सब पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो है उसके भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं देखिए इसके बाद कंसेप्ट आता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स अगर सपोज़ बार 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 इस प्रकार के अगर हमें दो लाइन के इक्वेशंस दिए दो लाइंस दिए और उन दो लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है दैट विल बी यहाँ पे हमने मॉड क्यों लिया बिकॉज इट इज डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा अगर आंसर निगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हमने मॉड लिया है थर्ड रो ए टू बी टू सी टू अपॉन अंडर रूट में अब देखिए ये स्क्वायर रूट वाला टर्म जो है ये याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है हमने यहाँ पे ए बी ए बी फिर बी सी बी सी फिर सी ए सी ए इस प्रकार से लिया है मतलब ए बी का टर्म बी सी का टर्म सी ए का टर्म ठीक है ना ए के बाद बी बी के बाद सी सी के बाद और ए बी सी साइक्लिक में याद रखना है ए बी बी सी सी ए फिर यहाँ के जो सफिक्स है ट्वेल्व ट्वेंटी वन 21 वन 12, ट्वेंटी 21, 12, 21। मतलब ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है ना इंटरचेंज ट्वेल्व ट्वेल्व का इंटरचेंज ट्वेंटी अगेन ट्वेल्व का इंटरचेंज ट्वेंटी वन ट्वेल्व का इंटरचेंज ट्वेंटी वन इस प्रकार से ठीक है इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस जीरो रहेगा स्मॉल डी इक्वल्स टू जीरो इट इज द शॉर्टर डिस्टेंस तो इसका मतलब इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू जीरो बनेगा square root transfer करेंगे जीरो बनेगा मतलब इस determinant का value 0 बनेगा इफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग का वैल्यू यहां पर हमें जीरो मिलेगा ओके नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी लेना है देखिए इसके सभी प्रॉब्लम्स हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किए जब लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था उन सभी सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा ओके फिर इसके बाद इसी का फॉर्म एल एक्स प्लस एनजे टू पी नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू नॉन जीरो वेक्टर सी बार इज आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इसी का कार्टेशियन फॉर्म इस प्रकार से लेना है x- माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन फर्स्ट रो सेकंड रो बी वन बी टू बी थ्री थर्ड रो सी वन सी टू सी थ्री इक्वल टू सीरोट्रिक फॉर्म आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लामडा बी बार प्लस म्यू सी बार ओके फिर उसी का सॉरी फिर इसके बाद वेक्टर इक्वेशन लिया है प्लेन का जो थ्री नॉन ियर पॉइंट से पास हो रहा है कैपिटल ए उसका पोजिशन वेक्टर ए बार कैपिटल बी उसका पोजिशन वेक्टर बी बार कैपिटल सी उसका पोजिशन वेक्टर सी बार तो ये लेना है हमें बार 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 क्रॉस क्रॉस ओके तो इसी हम लिख सकते हैं आर बार माइनस ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू जीरो नौ इसी का आप कार्टेशियन फॉर्म लेना है पॉइंट ए एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट बी एक्स टू वाई टू जेड टू पॉइंट सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इस प्रकार से अगर लिया हमने और अगर प्लेन उन तीन पॉइंट से पास होता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो उसका कार्टेशियन फॉर्म जो है इक्वेशन का हम इस प्रकार से ले सकते हैं फर्स्ट रो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन माइनस जेड वन में लेना है ऑर्डर थ्री के जिसका फर्स्ट रो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अब क्या करना है एक्स की जगह एक्स टू वाई की जगह वाई टू जेड की जगह जेड टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन सेन अब और क्या करना है एक्स की जगह एक्स थ्री वाई की जगह की जगह का वैल्यू इक्वल टू जीरो इट इज द कार्टेशियन फॉर्म फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होता है उसका इक्वेशन आर बार डॉट

चैप्टर है देखिए इस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो जो डिलेटेड पोर्शन है उसे हमें प्रिपेयर नहीं करना है स्टार्टिंग में मैंने आपको डिलेटेड पोर्शन बताया एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इन सभी पार्ट को डिलीट किया गया उन पार्ट को हमें प्रिपेयर नहीं करना है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देखिए फ्रेंड आज के इस लेक्चर में हमने लाइन एंड प्लेन इसके थेरोटिकल पार्ट को बहुत अच्छी तरह से देखा है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ थेरी इसी थेरी को यूज करके आपको इस चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आशा करता हूं हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से सीखा है अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्ले का लिंक आपको मिलेगा और देखिए फ्रेंड्स आज ही आपको इस चैप्टर पे 10 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट देना है ये सभी बातें हम हैंडल करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ग्रुपर क्लास ट्वेल्व इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेस्ट आपको वही मिलेगा आज आपको एमसीक्यू टेस्ट देना है दैट इज यूजफुल फॉर एमएसटीसी ट्वेंटी फिर कल आपको इसी टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेगा ट्वेंटी मार्क्स का जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा बोर्ड का उसी प्रकार का मैंने ट्वेंटी मार्क्स का लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है उसे भी आपके उसे भी आपको सॉल्व करना है और देखिए वो जो क्वेश्चंस उस पेपर के क्वेश्चन जो है उन पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2021 स्टेट बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ठीक है अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास ट्वेल्थ में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उनके साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए इस वीडियो को वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करना ना भूलिए ठीक है चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो